उज्जैन में एक अनोखी खगोलीय घटना हुई है जिससे लोग चौंक गए हैं। यह घटना दोपहर की है जबकि शहर में लोगों की परछाई ने अचानक उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि 21 जून के दिन सूरज बहुत ऊंचाई पर होता है, ऐसे परछाई उनका साथ छोड़ देती है। इस घटना के जंतर मंतर पर कई लोग गवाह बने। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा के लंबवत होता है और कर्क रेखा की स्थिति लगभग 23 डिग्री 26 मिनट उत्तरी अक्षांश पर होती है और इससे आज सूर्य की क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट 14 सेकंड उत्तर में होगी। उज्जैन चूंकि कर्क रेखा के नजदीक है और जिसमें मंगलवार को दोपहर में परछाई समाप्त हो जाती है। वहीं एक दूसरी उल्लेखनीय बात यह भी है कि 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। आज के दिन साल का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। इसका कारण यह है कि 21 जून को सूर्य पृथ्वी के नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर स्थित होता है। इस कारण सूर्य की रोशनी भारत के बीचों बीच गुजरने वाली कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। आज सूर्य की किरणें अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक धरती पर टिकी रहती है और आज से सूर्य दक्षिणांक हो जाएगा। साथ ही में अब धीरे धीरे दिन छोटे होते चले जाएंगे। इक्कीस जून का दिन खगोली दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है। आज के दिन सूर्य की स्थिति 23 डिग्री 26 मिनट और 14 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है। उज्जैन चूंकि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है इस कारण हम देखते हैं कि जो वेधशाला में शंकु यंत्र है उसमें शंकु की परछाई पूरे दिन कर्क रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। ठीक 12:28 पर शंकु की परछाई शून्य हो जाती है जिससे ये स्पष्ट पता लगता है कि सूर्य एकदम लंबवत 90 डिग्री की स्थिति में है। आज के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा है। उज्जैन में 13:34 का दिन और 10:26 की रात है। आज के बाद अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं और अब दिन हमारे यहाँ धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होने लगेंगी। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। डॉक्टर राजन प्रकाश गुप्त, अधीक्षक जीवाजी वेधशाला उज्जैन।